हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद केके में। आज की जो हमारी वीडियो है एमए सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नोर कर रहे हैं, आज हमारी बुक का नाम है MPSE4। इसको हम सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 2 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ता है। 2 सेशन होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं कि 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन से देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम है, अभी फिर हिंदी मीडियम में। ये अभी 2019 के दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है, अभी मैं आपको 2018 के दिसंबर का भी क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बतानी है स्टूडेंट, देखिए अभी तक मैंने जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई है, चाहे वो जून 18-19 का क्वेश्चन पेपर हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की वीडियोस हो, वो सब आपको ज़रूर देखनी है। प्लस आप 2018-19 के दिसंबर का भी क्वेश्चन पेपर करके जाना, क्योंकि आपकी ये MPSE4 भी एक ऐसी बुक है। देखिए MPSE3 एक आपकी ऐसी बुक है जिसमें आपके बहुत सारे विचारक, और MPSE4 भी एक ऐसी बुक है आपकी जिसमें बहुत सारे विचारक हैं और विचारक की बहुत सारी विचारधारा हैं कि जो चिंतन जो करते हैं उनके बहुत सारे विचारधारा होते हैं। तो ये 2 बुक ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस तैयार करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक ही, जैसे कि इसमें अम्बेडकर जी हैं या फिर आपके गांधी जी हैं, तो इन्हों के ऊपर आपकी और चीज़ें भी पूछ ली जाएंगी। जैसे कि अब सामाजिक संविदा जो होती है गांधी जी के ऊपर है, वहाँ पे आपका कोई आंदोलन पूछ लिया जाए, है ना। अंबेडकर जी हैं, उनके सांस्कृतिक के ऊपर एक चीज़ पूछी जाती है, वहाँ पे जाति को लेके कुछ पूछ लिया जाए। तो इसलिए ये ऐसे बुक्स होती हैं कुछ कि इनों के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अलग से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपके बुक से रिलेटेड ही होंगे कि जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उसमें से कोई भी और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अभी तक जितने भी मैंने जून के जो 18-19 के क्वेश्चन पेपर बनाए, जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाई है, वो सब आप देख के जाना। MPSE4 के पर जितने भी मैंने आपको वीडियोस अपलोड किए हैं सारी देख के जाना, प्लस आपको 2018-19 का क्वेश्चन पेपर भी करके जाना दिसंबर का, ठीक है। और अगर आपको PDF से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है उस पर व्हाट्सअप करके आप मेरे को PDF ले सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राजनीतिक चिंतन, धार्मिक राजनीतिक संबंध के बारे में यहाँ बताना है, धर्म और राजनीतिक के संबंध के बीच में क्या अंतर है, संबंध है वो सब। और ब्रिटिश के बारे में आप पूछा है, बौद्धिक कदम जो उठाए गए थे उसके बारे में यहाँ पे लाल बाल पाल इन्हों के ऊपर जो भी आंदोलन इन्होंने किए उसके ऊपर, पंडित रामाबाई इन्हों के ऊपर जो पूछा गया है, ये सब जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं, बट आप तब भी 2018-19 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर करके जाना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर यहाँ पूछा गया है, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं, भीमराव अंबेडकर के जो हैं किसके बारे में पूछा, सामाजिक न्याय के ऊपर पूछा है, इससे पहले सांस्कृतिक कुछ करके था उसके ऊपर पूछा गया था, वैचारिक के ऊपर था कुछ, तो वो मैं आपको बता दूंगी, मार्क्स के और मार्क्स फादर रॉय के इन्हों के उसके बारे में बताएंगे, इनकी जो समालोचना है उसके बारे में। तो ये तो 19 का हो गया, 18 को आपका मैं दिखाती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता रही हूँ एक चीज़ जो भी आपको 18-19 का क्वेश्चन पेपर करके जाना है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे विचारक होते हैं या फिर विचारधाराएं होती हैं, तो अलग अलग पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में हरदम सेम। तो देखिए 3-4 तो सेम आपकी आ सकती है, परंतु सारे क्वेश्चन सेम नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए आप पढ़ के जाना जो मैं आपको बता रही हूँ। अब 18 का देखते हैं, देखें यहाँ पे आप 18 का देख सकते हैं, सेम वही है आपका, 5 क्वेश्चन करने होंगे, 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, इंग्लिश मीडियम है, अभी आपको हिंदी मीडियम में दिखा देती हूँ। कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, अदरवाइज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको वीडियो कैसे लगे हैं। तो ये 18 दिसंबर का है, इसमें देखिए भारत में राष्ट्रवाद के ऊपर पूछे जो उनके चिंतन है, राष्ट्रवाद के ऊपर जो भी चिंतन है, तो आपको राष्ट्रवाद एक चैप्टर करके हैं उसके ऊपर जितने भी चिंतक होंगे, जितने विचारधारक होंगे वो आपको वहाँ लिखने हैं। सामाजिक सुधार के ऊपर यहाँ पूछा गया है, औपनिवेशिक जब आरंभ हुआ था उस टाइम पे, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर जो सैयद अहमद खान है उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप सब क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। बाकी जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं है, उन वीडियोस में नहीं है, तो आप यहाँ से अलग से कर सकते हैं इनों को, और ये करके जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसको इसलिए ही बोल रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि आपके ये जो बुक है और एक MPSE3, ये 2 बुक ऐसी है जिनों के ऊपर
थॉट होते हैं, अलग अलग विचारक होते हैं, उनकी विचारधाराएं होती हैं जो पूछी जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ। अब देखिए पिछले जो भीमराव अंबेडकर हैं वहाँ अलग चीज़ पूछी गई थी, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के ऊपर पूछा गया, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैम ने बताया नहीं हमें पहले, तो बता रही हूँ। तो ये वीडियो भी समाप्त होती है, और अगर आपको वीडियो और किसी वीडियो से रिलेटेड कुछ जानना है तो कमेंट कर दीजिए मेरे को, और पीडीएफ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, फिर असाइनमेंट से रिलेटेड, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए और वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।